पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें अभी तक हमने जो है वो बहुत सारे जो है हम बोल सकते हैं हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग के बारे में, और बॉन्डिंग में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कंसेप्ट देना चाहूंगी। ऐसा करते हैं हम पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही पढ़ते हैं, ठीक है। छोटी सी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दी थी पॉली एंड लंडन इन 1927 के आसपास। और इस थ्योरी ने क्या कहा था, इस थ्योरी ने कहा था कि अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है वो बनना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी होगी, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसी होगी, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसा जैसा, ये होता है आपका H2 मॉलिक्यूल, जिसमें ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है H को, ये दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं इस डंडे को, ये करता है H को। मतलब जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है इट इज फॉर्मड बाय द ओवरलैपिंग, दिस इज वन एस ऑर्बिटल एंड दिस वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। So, the covalent bond is formed by the overlapping of two atomic orbitals containing one electron each with opposite spin. ठीक है, तो जब भी covalent bond बना होता है दो atomic orbitals की overlapping से बनता है, जिसमें एक atomic orbital में एक electron होगा, दूसरे atomic orbital में एक electron होगा, और इनकी overlapping से क्या बनता है, आपका covalent bond बनता है। And the strength of the covalent bond depend upon the extent of overlapping. That means, जितना ज्यादा कोई हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकती हैं वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट इट सजेस्ट, इट सजेस्ट दैट द कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ two atomic orbitals with opposite spin, या containing electrons with opposite, two atomic orbitals containing electrons with opposite spin, and the strength of bond depend upon the extent of overlapping. आप सब जानते हो, मैंने आपको जो है वो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ाया था, सिग्मा बॉन्ड होता है और कोवलेंट ये सॉरी पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, वो ज्यादा ओवरलैप कर सकता है। इसका मतलब जो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्योंकि पाई में क्या होता है, आपके पास साइड वाइज ओवरलैप होती है, वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो आपका जो पाई बॉन्ड होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, ठीक है। तो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब नेक्स्ट जो है हमने जो पढ़नी है वो क्या है, वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट इज वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय Sidwick and Paul in 1942, I guess, इसको देख लेना, and later expanded by Nyholm and Gillespie in 1957, ठीक है। Nyholm and Gillespie ने जो है वो लास्ट पे इसको जो है थोड़ा सा एक्सपैंड किया। ये थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले इसका मतलब देखो, V का मतलब होता है वैलेंस, S का मतलब होता है शेल, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब होता है पेयर, R का मतलब होता है रिपल्शन, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक चीज और, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये तो कहा था
कि इलेक्ट्रॉन सॉरी जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से बनता है विद वन इलेक्ट्रॉन ईच. लेकिन कौन सी ऑर्बिटल्स? वैलेंस ऑर्बिटल्स. कौन सी शेल के ऑर्बिटल्स? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स. इसका मतलब था कि वैलेंस शेल भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, अंदर वाली जो होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती. वही चीज इसने भी बोला, उसने भी सेम बोला कि जो वैलेंस शेल होता है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, लेकिन इसने कुछ और भी कहा. इसने कहा कि एक एटम जो है, सपोज करो ये मेरे पास बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी. आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये सारे जो है वो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों मैंने क्या लिखा है, लोन पेयर्स लिखा है. दैट इज दिस सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच मे बी द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा भी हो सकता है खाली जो है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर ना, खाली दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. ये थ्योरी कहती है कि ये जो आपके पास सेंट्रल एटम होता है, द एटम इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, जो एटम होता है वो सराउंडेड क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर से, जो क्या करते हैं, जो रिपेल करते हैं. और इतना रिपेल करते हैं, सपोज ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ये दोनों है ये भी रिपेल करेंगे, ये दोनों है ये भी रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर भी क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा. इतनी रिपल्शन को शो करेंगे कि दैट दे कहाँ पे जाएंगे, दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट देयर विल बी नो रिपल्शन इन देम एंड द मॉलिक्यूल एग्जिबिट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी. ठीक है, तो क्या होता है ये कि जो एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है इन मॉलिक्यूल, द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच रिपेल अपॉन अनदर सो दैट दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड द मॉलिक्यूल एग्जिबिट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी. मॉलिक्यूल एग्जिबिट मैक्सिमम एनर्जी स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी. ये थ्योरी कहती है सेंट्रल एटम जो है उसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं, जो रिपेल करेंगे एक से से. इस तरह से रिपेल करेंगे दैट दे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम वन अनदर हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है ना, उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती है, उतनी ज्यादा जो है वो रिपल्शन होती है. ठीक है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल में, तो जितनी ज्यादा जो है वो दूर हो जाएंगे, इसका मतलब मिनिमम रिपल्शन होगा उसमें, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल के अंदर. ये बोला था वेस्पर थ्योरी. ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट था. तो इसने कुछ और चीजें भी बताई, जैसे पहली चीज जो इसने बताई, उसने बोला कि अगर किसी में भी दो बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, दो बॉन्ड पेयर या फिर हम सीधा बोले द मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स, ऐसे लिखते हैं द मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू एटम्स, उसकी शेप हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी. सपोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखूं तब भी लीनियर, मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी लीनियर, मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी क्या होगा, इसका लीनियर होगा. मैं CO को दैट इज जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जो दो आइटम से मिलकर बना होता है, उसकी शेप हमेशा क्या होती है, लीनियर होती है. ये इसने बताया. दूसरा पॉइंट जो इसने बोला था, इसने बोला था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा आइटम्स होते हैं, उसमें एक एटम वन एटम, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन टू एटम्स वन एटम इज सिलेक्टेड एज सेंट्रल एटम. जैसे आपके पास क्या है, मेरे पास एमोनिया NH3 जिसपे सेंट्रल एटम क्या है, इसमें जो है वो चार एटम प्रेजेंट, सेंट्रल एटम में क्या होता है, N होता है, बाद में H. वो किसके बेस पे होता है वो मैं लास्ट पेपर बताऊंगी, जब मैं शेप के बारे में बताऊंगी कि शेप को हम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जिनमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आइटम होते हैं
उनमें एक को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है एज सेंट्रल एटम। ठीक है, तीसरी चीज, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड खाली बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे, मैंने कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर नहीं दिखाया, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया कि इधर भी बी है, यहाँ पे भी बी है और इस साइड भी क्या है आपका बी है, ये बी जो है वो सिमिलर एटम्स है। अगर सेंट्रल एटम के सराउंडेड में जो है सराउंडिंग में क्या होंगे आपके पास सेम टाइप के एटम होंगे एंड वो भी क्या होगा बॉन्ड पेयर से खाली जुड़े होंगे, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा ये सिमेट्रिकल होगा और इसकी जो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स एंड contains only bond pairs, the molecule is symmetrical, the molecule is symmetrical and it has regular geometry. इसकी geometry क्या होती है? Regular geometry होती है। अब ये regular वगैरह geometry क्या होता है वो मैं आगे उसके बाद, लेकिन अगर ऐसा होगा कि सेंट्रल एटम जो है वो सराउंडेड होगा है, सपोज करो यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे फिर सी है, ये क्या है आपके पास, ये डिफरेंट एटम्स है, ऑल दो बॉन्ड पेयर्स ही है खाली, लेकिन एक जो है वो इसमें क्या है वो डिफरेंट है, या ऐसे भी हो सकता है कि इसमें जो है वो क्या होगा आपके पास सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होंगे लेकिन जो आपके पास सेंट्रल एटम होगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे जो आपके पास एटम है वो क्या है वो डिफरेंट है और इवन इसके ऊपर जो है वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, तब भी इन सब की जो शेप होगी, सॉरी इन सब का जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, वो इररेगुलर होगी, इररेगुलर ज्योमेट्री होगी और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। दैट मींस इफ द सेंट्रल एटम इज अ सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर और इट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स देन द मॉलिक्यूल हैज इररेगुलर ज्योमेट्री एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अनसिमेट्रिकल इन। तो ये सब इसने जो है वो बताया था और इसने एक चीज और बोली थी कि जब भी रिपल्शन होती है, मैंने बोला कि जब सेंट्रल एटम के जो है वो आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, उनके बीच में रिपल्शन होती है, ज्योमेट्री शेप वगैरह ये सब चीजें क्या होती हैं, सपोज मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, इधर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ भी रिपेल करेगा, ये इसके साथ भी रिपेल करेगा, ये इसके साथ भी रिपेल करेगा, ये इसके साथ भी रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेंगे कि ये क्या होगा आपके पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे सब के सब और अगर रिपल्शन नहीं हो जाएगी वो जो इसके पास फाइनल अब शेप होगी वही कहलाएगी आपकी ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री और शेप में फर्क भी होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपके पास जितने भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर होते हैं जब इसमें रिपल्शन होती है तो जितनी भी रिपल्शन होनी होती है वो सब हो गए होते हैं। ठीक है, तो अब और ज्यादा रिपल्शन जो है वो नहीं हो सकती है, उस टाइम पे जिस भी डिस्टेंस पे होगी वही आपकी जो है वो शेप कहलाएगी किसी भी मॉलिक्यूल के। इसे एक चीज और बोली कि अगर हम रिपल्शन की बात करें तो जो आपके आपका लोन पेयर होता है उसके बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है और लास्ट में बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो है वो सबसे कम रिपल्शन होती है। ठीक है, अगर मेरे पास जो है सिमिलर टाइप के एटम होते हैं ना, मैंने क्यों बोला कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, रेगुलर ज्योमेट्री, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे सिमिलर टाइप के एटम, तो ये जितनी रिपल्शन शो करेगा उतनी ये भी करेगा, उतनी ये इसके साथ भी करेगा, इसका मतलब ये सब का सब जो है वो सेम टाइप के रिपल्शन शो करेगा, मॉलिक्यूल इज रेगुलर इन नेचर। लेकिन अगर इसमें जो है वो एक सी होगा ना, देन मॉलिक्यूल इज इररेगुलर इन नेचर, ये जो है वो एक टाइप की रिपल्शन शो करेगी, लेकिन यहाँ पे सी है, जितना ए बी ए बी बॉन्ड है वो रिपल्शन शो करेगा उतना ए सी ए बी जो है बॉन्ड रिपल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम इररेगुलर जो है ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर शेप को निकालना होता है हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टेबल जो है वो कैसे बनता है, किससे कैसे हम जो है वो असाइन कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को शेप। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला भी है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे।